हेलो दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक यह है कि क्यों इंडियन रेलवेज़ की ट्रेनें दिन के मुकाबले में रात में ही क्यों ज़्यादा तेज़ चलती हैं और ज़्यादा दूरी तय करती हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे हम एक एक पॉइंट डिस्कस करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र करते हुए ये गौर किया होगा कि दिन के मुकाबले रात में ट्रेन ज़्यादा तेज़ चलती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात के टाइम उस ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है और दिन में स्लो रखी जाती है, क्योंकि दोस्तों पूरे रेल का स्पीड चाल चलन सिग्नल पे डिपेंड होता है। सिग्नल के हिसाब से ही रेल को कितनी स्पीड से जाना है, ट्रेन को कितनी स्पीड से जाना है, ये तय किया जाता है लोको पायलट के द्वारा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं यह बात भी सही लगती है कि दिन के बदले रात में ट्रेन ज़्यादा तेज़ चलती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में हम डिस्कस करें, एक एक पॉइंट को लेकर अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, ट्रेन को दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा तेज़ चलाने में पहला कारण यह है कि ट्रैक पे कोई भी मेंटेनेंस वर्कर रात के समय नहीं रहते हैं, जिससे कि लोको पायलट को मैक्सिमम परमिटेड स्पीड मिलने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसके पीछे दूसरा रीज़न यह है कि रात के समय ट्रैक पर जानवरों और मनुष्यों इत्यादि का आना जाना बहुत ही कम रहता है, लगभग ना के बराबर रहता है। दोस्तों, इसमें तीसरा कारण यह है कि रात के समय सिग्नल की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी दूर से ही सिग्नल लोको पायलट को बड़ी आसानी से दिख जाता है, इसलिए वह ट्रेन को बड़ी अच्छी खासी स्पीड से ले जाते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि दिन के मुकाबले रात को ट्रेन ज़्यादा तेज चलती है। इसलिए दिन में जो ट्रेनें कभी कभार लेट होती हैं, वो रात के टाइम मैक्सिमम स्पीड अचीव करके ऑन टाइम हो जाती हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।